बच्ची का पोस्टमार्टम करें और उसकी बॉडी हमारे को हैंड ओवर करें। मैम दो दिन हो चुके मैम, अभी तक पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? वहाँ की पुलिस ये कह रही है FIR जब करेंगे, जब पोस्टमार्टम हो जाएगा, लेकिन हमारे बंदे ये कह रहे हैं पहले FIR करो फिर पोस्ट। मैम आपकी फैमिली के द्वारा कई अलग अलग लोगों पर, हमारे पास पर्सनली कोई मैसेज नहीं आया न्यूज में, जो आप देख रहे हो वही मैसेज। मैम आपकी फैमिली के अलग अलग मेंबर्स के द्वारा अलग अलग लोगों पर आरोप है, आपके PA जो सोनाली के थे उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने उसकी हत्या की गई होगी, उनके साथ एक सुखविंदर जो सुखी है उसका नाम बीच में आया, बीच में आपके ही परिवार के सदस्य ने गोपाल कांडा का भी नाम लिया कि वो भी इसमें मदद कर सकते हैं, आप क्या मानते हैं कि कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं? मैं ये मानती हूँ जब किसी का नुकसान होता है और बहुत बड़ा नुकसान होता है तो आदमी कहीं भी उसका मन भटकता है, लेकिन हम तो सिर्फ प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि हमें सच्चाई बताए उनके साथ हुआ क्या है। हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि यहाँ से वो अपने PA के साथ गई हैं। बीजेपी की सरकार है गोवा में भी, हरियाणा जी में बिल्कुल भी हम बीजेपी पार्टी से, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी अनुरोध है, मैं बहुत पुरानी बीजेपी की पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, मेरे दादाजी स्वर्गीय PK चौधरी बहुत पुराने लीडर थे बीजेपी के, जब लीडर थे जब बीजेपी को कोई जानता नहीं था, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस बच्ची को न्याय दिलाया जाए, इसकी हर संभव मदद की जाए, हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है FIR लॉन्च की जाए, FIR में जो भी आता है तफ्तीश में हम मानेंगे। ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो FIR दर्ज होने से रोक रही हैं? आपको किन पे लगता है? हमें कुछ नहीं लगता क्योंकि हमारे से बहुत दूर है, हमें तो ये भी नहीं पता उसके साथ हुआ क्या है। मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ, किसी ने अगर उनके साथ जो आदमी ठीक होता जो गया था सबसे पहले फैमिली को इन्फॉर्म करता कि उसके साथ ये हो गया, इतनी बीमार हो गई, इतने बजे ये हो गया, हम हॉस्पिटल लेके गए, हमें कुछ नहीं बताया गया। गोवा के पुलिस प्रशासन का अगर इसी तरीके का रवैया रहा तो परिवार किस तरीके का निर्णय लेगा? से जो भी होगा, अभी तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे पास ऐसा कोई तोप बंदूक कुछ नहीं है, हम सिर्फ हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमारा बहुत शांतिपूर्वक ही करेंगे जो भी करें, लेकिन हम प्रशासन से मेरा बार बार मेरी ही देखो मेरी 80 साल की मदर इन लॉ जो हाथ जोड़ के खड़ी है, क्या इसलिए उस लड़की ने 10 साल बीजेपी की सेवा की थी, क्या इसलिए कि उसकी डेड बॉडी हमें लेने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़े, क्या इसलिए? क्या पार्टी अपने वर्कर्स का ये ध्यान रखती है? मैं आप लोगों के माध्यम से मैं अपनी बात ऊपर तक, हो सकता है कि उनको ना पता हो, मैं उनको पहुंचाना चाहती हूं कि जल्दी से जल्दी जैसे भी हो सके जल्दी से जल्दी उनका पोस्टमार्टम करवाएं, उनके FIR लॉन्च करवाएं। कुछ चीजें कुछ चीज में बीजेपी है, सेंटर में बीजेपी है, उसके बावजूद भी बीजेपी की, ये तो आप बीजेपी से पूछो। मैडम कुछ चीजें गायब होने की भी सूचनाएं मिली थी कि लैपटॉप और कुछ सामान है वो यहाँ से गायब हुआ है, उसमें कुछ डाटा ऐसा हो सकता है? लैपटॉप ऐसा है, लैपटॉप उस लड़के के पास ही रहता था जी, गायब कुछ नहीं हुआ है, उसी के पास था, सुबह उस लड़के का फोन भी आया और कुछ रूटीन डाक थी जो उसके पास थी और कुछ तो वापिस आ गए हैं। कुछ भी तो मैम उतारा जा सकता था, लेकिन उनके ऐसा होने के बाद ही क्यों उतारा गया? मेन क्वेश्चन ये है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, DVR वगैरह आगे DVR यही है, वहीं कहीं नहीं गई है, DVR यही है। तो उसका CCTV का पुराना जो फुटेज है वो उसमें है, आप लोगों ने कुछ चेक किया? हमारे बच्चे के पास है, चेक किसी ने नहीं किया। सुनने में आए पुराने स्टाफ को हटा के नया स्टाफ अपॉइंट किया, वो एक ही लड़का था जो कंप्यूटर ऑपरेटर था, बाकी स्टाफ सारा पुराना। गोवा में जो मैडम शिकायत दी गई, कंप्लेंट दी है वहाँ की पुलिस को, उसमें ये रेप के भी एलिगेशन लगे हैं, तो क्या परिवार को था? हमें ऐसा, हमारी लड़की स्ट्रांग इनफ थी ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती, और एक जाट फैमिली से और बहुत रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करती थी, किसी भी एक आदमी को संभालने में हम सब सक्सेस में, ऐसा कुछ नहीं हुआ उसके। मैं इस बात डिप्रेशन में भी नहीं, बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं थी, लेकिन काम का प्रेशर सब पे होता है, आपने भी हमारे पे भी। उनका जो शरीर है वो नीला पड़ता जा रहा, तो क्या कहीं ना कहीं ये भी अंदेशा लगाया जा सकता है कि उनको पॉइजन दिया हो? अब पॉसिबिलिटी, सच्चाई जब सामने आएगी, मैं बार बार यही कह रही हूँ, जब सच्चाई सामने आएगी सब बातें निकल के आएंगी, अंदाजा हम नहीं लगा सकते। ठीक है, धन्यवाद।